हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैसे टूबॉक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको खुशखबरी मिल गई होगी कि यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आ चुकी है, उसके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। वैकेंसी का फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, वैकेंसी इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके लिए इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स कौन कौन सी जो यूथ में पहले से ही अवेलेबल है, इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाती है हमारे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हमारे पास फेसबुक पर जो टेलीग्राम चैनल भी है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट वहां पे अभी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आज की जो वैकेंसी आई हुई है, टोटल वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे आपके अनरिजर्व श्रेणी के लिए 79, ईडब्ल्यूएस के लिए 18, ओबीसी के लिए आपकी 47, एससी के लिए आपकी रहने वाली 37, एसटी के लिए आपकी 5 वैकेंसी रहने वाली है। ये वैकेंसियां इनके अनुसार बड़ा और घट दोनों सकती हैं, वो अधिकार यूपीपीएससीएल के पास सुरक्षित है। यूपीपीएससीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, विज्ञापन संख्या 11 VSA 2022 डबल ए का यहाँ पे विज्ञापन, डबल ए मतलब असिस्टेंट अकाउंटेंट का ये रहने वाला है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी आपको देते रहे कि इसमें बुक कौन कौन सी अवेलेबल रहने वाली है। जो हमारी वेबसाइट है yctpublication.com, जहाँ पर 1000 प्लस ई बुक्स अवेलेबल रहती है, टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है, वहाँ पे सर्च ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे सर्च ऑप्शन में आप सर्च करिएगा यूपीपीसीएल। जब आप यूपीपीसीएल सर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ जितनी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं सभी की जितनी भी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल मिलने वाली है। जैसा कि आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो सॉल्व पेपर्स हैं, प्रैक्टिस सेट है और स्टडी मटेरियल है, वो भी ई बुक फॉर्मेट मिल जाएगी। यूपीपीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी करवाता है, जेई की, इसके अलावा सिविल में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में चैप्टर वाइज पेपर्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा आपका यूपीपीसीएल TGT2 के प्रैक्टिस सेट है, इलेक्ट्रिशियन के अध्ययन सामग्री रहने वाली है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के, आपके असिस्टेंट इंजीनियर के सभी के यहाँ पे सॉल्व पेपर्स, जिसे असिस्टेंट अकाउंटेंट के सहायक लेखाकार के आपके सॉल्व पेपर्स है, प्रैक्टिस बुक अध्ययन सामग्री जिसका रिसेंटली हमने रिव्यू किया था। इसके अलावा आपका कार्यकारी सहायक के भी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे जो कि यूपीपीसीएल करवाता है, और भी यूपीपीसीएल के सारी जितनी भी बुक है, चाहे वो यूपीपीसीएल हो चाहे वो यूपीआरबीएल हो, सभी के आपको ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। अब हम टेस्ट सीरीज में देखते हैं, जो क्विजेज है वहाँ पे भी आपको यूपीपीसीएल के सारे क्विजेज अवेलेबल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ये वेबसाइट पे क्विजेज अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज में भी आपको यूपीपीसीएल के कई सारे मिलने वाले हैं। अकाउंटेंट क्लर्क की हो गया, यूपीपीसीएल जेई सिविल का हो गया, एई का हो गया, जितने भी सारे अवेलेबल होते हैं, जीटीओ असिस्टेंट के यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये आप देख रहे होंगे, जीटीओ असिस्टेंट के टेस्ट सीरीज है, क्विज क्वेश्चन भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे बहुत सारे। तो वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहाँ पे आप सर्च करेंगे यूपीपीसीएल, तो यूपीपीसीएल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वैकेंसी से रिलेटेड जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का वहाँ सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस जो मैंने आपको दिखा दिया, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है, वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, स्टडी मटेरियल सभी चीजें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो जो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन आता है वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उस पे जाके आप भी वहाँ पे भी सर्च ऑप्शन में यूपीपीसीएल सर्च करेंगे तो सारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज, क्विजेज सभी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पे आपको 1000 प्लस ई बुक, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली होती है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। अब आते हैं कि वैकेंसी की डिटेल क्या रहने वाली है, जो वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है, कोड इसका ध्यान रखिएगा 21 रहने वाला है, ये यहाँ पे रहने वाला है। अब इसमें डिटेल में बताऊंगा, जो इसमें सैलरी आपको मिलेगी वो लेवल 5 की सैलरी मिलने वाली है, लेवल 5 में 29,800 से लेकर 94,300 तक की सैलरी आपको मिलने वाली है जो कि यूपीपीएससी प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आपको कॉमर्स में आपका डिग्री जरूरी रहेगा, उसके लिए आप कर सकते हैं। न्यूनतम एज आपकी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो 21 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज में अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं, जैसे कि ओबीसी और एससी एसटी को मिलता है, भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है, तो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, 5 साल तक यहाँ पे मिल जाती है। आरक्षण, आरक्षण भी शुरू में मैंने आपको बता दिया, कितने जनरल कैटेगरी के हैं, कितनी ईडब्ल्यूएस की है, सारी चीज़ें वहाँ पे हमने आपको डिस्कस कर दी। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम दो भाग में होंगे, फर्स्ट भाग आपका ओ लेवल का रहने वाला है जिसमें कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर के रहेंगे, माइनस मार्किंग भी अवेलेबल है 1/4 की रहेंगी, बट ओ लेवल आपको 25 नंबर पाना अनिवार्य रहेगा, यानी 50% नंबर आपको पाने अनिवार्य रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 50% क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक का एक अंक होगा, माइनस मार्किंग 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक, यानी 50 का 50% कितना होगा, 25 नंबर पाना आपको मैक्सिमम अनिवार्य रहेगा। सेकेंड फेज में आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपके जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अर्थमेटिक,
अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, इसके बाद आपका 10 सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इन डिटेल बिलो, उसमें आपका अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो मिल जाएगा, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स के सिलेबस यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा या 150 नंबर का होगा, तो 150 प्लस 50 200 नंबर, जिसमें फर्स्ट पेपर में आपको 25 नंबर पाना अनिवार्य है। इसके बाद आप जितने टोटल नंबर पाएंगे उसमें जो मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज EWS में, OBC में, SC में, जनरल में, तो उस पर आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा स्थान यूपी में कई सारे स्थान है, जैसे आपका लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में होगी। जरूरत पड़ने पर परीक्षा के स्थान को भी बदला जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चरित्र प्रमाण, वैवाहिक स्थिति, ये सब चरित्र, आवेदन शुल्क सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है आपका, आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क आपका ST और ST के लिए लगने वाला है 826 रुपए GST सहित, यानी कि टोटल। और यहाँ पे आपका अनारक्षित श्रेणी के लिए EWS के लिए लगने वाला है 1180 रुपए, और आपका विकलांग अभ्यर्थी है तो केवल 12 रुपए लगने वाला है। 10 रुपए फीस रहती है, 2 रुपए GST लगती है, 12 रुपए होगा। इसमें आपकी 1000 रुपए लगती है प्लस 180 रुपए GST है, तो आपका 1180 रुपए होगा। वहां पे आपका लगभग 750 रुपए तक लगता है, 800 700 रुपए मान के चले तो 126 हो जाएगा, तो 700 रुपये लगता है प्लस 26 रुपए GST, तो टोटल GST सहित ये आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। आपको GST यहाँ पे UPPSL.org पे जाएंगे तो वहाँ पे सभी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं कहाँ कब से कब तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। 8 नवंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, 28 नवंबर तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम जो हो सकता है जनवरी के सेकेंड वीक में आपका हो सकता है एग्जाम, ये चीजें ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आइए आपका नॉर्मलाइजेशन, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन कई शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो उनके नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके आधार पर भी आपकी मेरिट लास्ट मेरिट जो बनेगी वो आपको यहाँ पे बताई जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मैं डिटेल पूरा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ पे PDF भी अवेलेबल मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो जो हमारी बुक्स अवेलेबल है उसमें भी आपको हमने पूरा डिटेल के साथ सिलेबस वहाँ पे दिखाया है, वो चीज़ें भी अवेलेबल आपको मिलने वाली। जो ये लेटेस्ट बुक जो आई थी हमारी UPPCL के असिस्टेंट अकाउंटेंट शॉर्ट पेपर प्रैक्टिस बुक अध्ययन सामग्री के लेटेस्ट सारे पेपर इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे, इसमें भी हमने डिटेल के साथ बताया था। अगर और भी कुछ चीज़ें आप चाहते हैं या पॉइंटर टाइप में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ें चाहिए, तो हम जल्दी उसको भी बुक लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइज।